हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुरु नीति के इस एपिसोड में। आज एपिसोड नंबर 12 करने वाले हैं अपन। केमिस्ट्री के टोटल 45 लेक्चर आएंगे, उसमें से आज 12 नंबर लेक्चर है और अपन फिजिकल केमिस्ट्री के आज केमिकल काइनेटिक्स पार्ट वन में एंटर हो गए। आज केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट वन में अपन डिस्कस करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, इन सब के बारे में। और सेकेंड पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे ऑर्डर और ऑर्डर कैलकुलेट करने के मेथड क्या होते हैं, बेसिकली जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। मैं अनुमान जागीर और मेरे साथ है सर संजय अग्रवाल। चले सर स्टार्ट करें आज अपन। ओके सर, तो क्वेश्चन वन के लिए बात करते हैं अपन। क्वेश्चन वन बात कर रहा है बेटा, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 चेंज इनटू 2HI, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज 1×10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, देन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। बेटा जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को जो रिएक्शन दी है सर, अपन ओवरऑल पहले ऐसे बात कर ले, इनको थोड़ा सा आइडिया दे दे कि रेट होती क्या है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वगैरह क्या होती है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं अपन, है ना। ओके, तो देखो अगर सर नेक्स्ट पेज पे ही अगर अपन बात करें, अगर रेट के बारे में बात करें, रेट ऑफ द रिएक्शन होती क्या है, तो मैं ऐसा बोलूं रेट जो होती है वो होती है चेंज अपॉन टाइम। अब केमिस्ट्री में जो चेंज होगा वो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन। कोई जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन में ही चेंज हो सकता है कभी प्रेशर में चेंज हो जाए, हो सकता है कभी नंबर ऑफ मोल में चेंज हो जाए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन हो सकता है, चेंज इन प्रेशर हो सकता है, या चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है। पर यूनिट टाइम जो होगा वो क्या होगा सर, रेट हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो अगर अपन जनरली अगर अपन बात करें, मोस्ट ऑफ द केस में तो अपन कंसंट्रेशन ही मिलेगी सर, ठीक है। तो अगर अपन कंसंट्रेशन को अगर अकॉर्डिंग कंसीडर करें, तो अगर एक रिएक्शन में लिखता हूं ये रिएक्टेंट है और ये अगर प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट जो होता जाएगा वो खत्म होता जाएगा, डिसअपीयरेंस विलुप्त होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये बनेगा, तो इसकी जो दर आएगी वो बनने की दर आएगी, या फिर अपन ऐसा बोले रेट ऑफ अपीयरेंस आएगी फॉर्मेशन के लिए। ओवरऑल अगर मैं ये बोलूं कि रेट जो होगी आर, एवरेज रेट की बात करते हैं, आर एवरेज जो आएगा वो हो जाना चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, डीसी बाई डीटी बोल दो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि डीसी बाई डीटी इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इसको ऐसा लिख दो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। रेट हमेशा पॉजिटिव आएगी तो आपको या तो मोड लेके लिख दो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बनानी, या फिर आप एक काम करो प्लस माइनस लिख दो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लिख दो। बेटा यहाँ पे प्लस माइनस जो बात कर रहा है, प्लस आपको जैसे सर ने बताया कि प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा, फॉर्मेशन आएगा तो वो अपीयरेंस को शो करेगा, और माइनस की बात करें तो वो डिसअपीयरेंस को शो करेगा, इट मींस इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी। तो अपन सर यदि अपन इंस्टेंटेनियस के लिए इसमें बात करें, तो सर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए रेट ये भी बोल सकता हूँ क्या कि टाइम के साथ डिक्रीज होगी, तो इसको माइनस में बात कर लूं तो डी आर अपॉन डी टी, और यदि ये अपने पास टाइम के साथ इंक्रीज होगी तो मैं इसके लिए प्लस बात कर लूं डीपी बाय डीटी। यहां पे बेटा यदि अपन ने अभी तक तो सिंपल कोफिशिएंट 1-1 की बात की है, सपोज इनके कोफिशिएंट ए और बी भी आ जाते तो वो कोफिशिएंट अपन यहां पे 1/a और 1/b की टर्म्स में बोल देते, तो एक कंप्लीट रेट एक्सप्रेशन हो जाता एक रिएक्शन के लिए। ये अगर कंप्लीट रेट एक्सप्रेशन है तो मैं अभी भी यही बोलना चाहूंगा कि dr / dt जो है, ये dr / dt जो है ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, बिल्कुल सही, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, इसका 1/a का कोई लेना देना नहीं है, और ये जो dp / dt है ये रेट ऑफ अपीयरेंस है अभी के लिए। तो ये अपन ने रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखा है क्या है, लेकिन अपन को क्वेश्चन में बोले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली dr / dt, सही बात है सर, ठीक है। एक तो ये चीज हो जाएगी कि dr / dt, रेट की वैल्यू हमेशा जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो अगर आपको न्यूमेरिकल डेटा में दे रखा है तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करें। तो जैसे अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बात करूंगा, जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन अगर 100 लिए और कुछ टाइम बाद में अगर 80 हो गई, तो अपन चेंज वैसे देखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो जैसे आपने 80 माइनस 100 किया तो माइनस आ जाएगा, लेकिन अपन आगे बोल रखे हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आएगा वो रिएक्टेंट के लिए आएगा, तो ये माइनस आगे पड़ा है, तो ओवरऑल तो बात ये हुई ना 100 माइनस 80 बन रहा है। तो जब भी अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उस कंडीशन में ध्यान रखें बड़े में से छोटे को माइनस करें, कुल मिला के रेट को अपन को प्लस मान के चलना है, बिल्कुल प्लस माइनस यहाँ पे केवल अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात, बिल्कुल सही बात है सर। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें ओवरऑल, तो ये तो जनरल रेट का आइडिया हो गया, और अगर मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लेके अगर बात करूं, जैसे ये अगर आपने लिखा कि M1A plus M2BA, अगर ये कन्वर्ट हो रहा है N1C plus N2D के अंदर,
अगर ये है तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 1/m1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1/m2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 1/n1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू 1/n2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी होता है। बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी रेट है सन्ने प्लस माइनस नहीं हमेशा पॉजिटिव की अभी बात तो मैंने रेट बोल रहा हूँ इसलिए अब यदि अपन इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहे सर बिल्कुल सर तो मैं इसका एक्सप्रेशन सर ऐसे बोल सकता हूँ 1/m1 ये माइनस में आएगा तो मैं इसको ये बोल ये डिसअपीयरेंस है इसलिए सर माइनस में आ जाएगा तो इसको मैं बोल दूं माइनस -dA/dt इज इक्वल टू ये भी डिसअपीयरेंस की रेट है तो नेगेटिव में आएगी तो इसको भी मैं ये बोल दूं dB/dt ये अगर सर अपीयरेंस की रेट है तो ये पॉजिटिव में बनेगी तो ये पॉजिटिव में बनेगी तो सर मैं बोल दूं dC/dt और ये जो बनेगी ये भी अपीयरेंस की है तो ये भी पॉजिटिव में बनेगी dD/dT हो जाएगा तो सर ये एक जनरल एक्सप्रेशन है आपको हेल्प करेगा इस पूरे टॉपिक के अंदर और कभी भी जब रेट से रिलेटेड अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करें और यदि आप ये सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हो तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आर ए है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी जो है वो आर बी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर सी है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी जो है वो आर डी के बराबर। कहने का मतलब कोफिशिएंट रेट को नहीं बता रहा है वो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से लिखा है इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें। चलो आइए सर क्वेश्चन पे आए सर क्वेश्चन की अब अपन बात करें तो जैसा अपन को एक क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन के लिए मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूं जैसा भी सबने बताया। सबसे पहले सर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो आर एवरेज जो लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI हो जाएगा सर। बेटा याद रखना इनकी कोएफिशिएंट 1 है इसलिए यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस करनी पड़ेगी आपको बेसिक मैंडेटरी है ठीक है। अब इसका अपन यदि रेट एक्सप्रेशन लिखे इन द टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट तो सर मैं ये बोल सकता हूं कि R इज इक्वल टू माइनस dH2/dt दैट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस dI2/dt and that is equal to positive because यहाँ पे ये rate of appearance बोल रहे हैं और 2 जो है वो stoichiometric coefficient है तो मैं यहाँ बोल दूँ 1/2 dHI/dt। अब बेटा मैं question की यहाँ पे बात करूँ कि question क्या बोल रहा है तो question ने बोला है rate of disappearance of H2 इसका मतलब बेटा ये जो हमको सिंपल दिया है वो हमको dH2/dt की वैल्यू दी है 1×10^-4 disappearance का मतलब ये माइनस के बात कर रहा है कि माइनस मतलब ये धीरे धीरे ओवरऑल सर ये रिलेशन ये पढ़ा है ये दे रखा है आपको और ये आपसे पूछा गया है बिल्कुल सही बात है। इन दोनों में रिलेशन अपने पास है कि RH2 जो होगा वो 1/2 R of HI हो जाएगा बिल्कुल सही बात इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI जो होगा वो 2×R of H2 हो जाएगा और R of H2 दे रखा है 10^-4 तो ये हो जाएगा 2×10^-4 हो जाएगा सर। तो इसका मतलब सर अपना यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सर एक यहाँ पे जब ये आ गया है मोल पर लीटर पर सेकंड तो रेट अपन ने लिखा है जनरली dC/dt होगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की बेसिक यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर होगा और टाइम की SI यूनिट की बात करें तो सेकंड होगा। एक आपको इसके ऊपर भी फोकस रखना है कि एग्जाम में रेट की यूनिट क्या दे रखी है। ऐसा यूनिट में बात करोगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाए लेकिन कभी कभार क्या करता है ये टाइम को जो है वो चेंज कर लेता है सेकंड की जगह मिनट दे देता है तो उस समय आपको ध्यान रखना है सेकंड वाले को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। सर ऐसा है कि अपन ने क्वेश्चन भी रखा है जिसमें मोल को भी अपन ने कन्वर्ट करवा रखा है तो अपन को हमेशा रेट का मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट ध्यान में रखना है। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करें तो बोला है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 2SO2+O2 चेंज इनटू 2SO3 इज 10 g/s। जैसा अभी सर ने आपसे बात की है देखिए यहाँ पे आज रेट की यूनिट आपको ग्राम पर सेकंड दे दी है और सर ने बताया था कि यूनिट जो होनी चाहिए वो मोल पर लीटर पर सेकंड आएगी क्योंकि अपन जो रेट बोलते हैं वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम की बात करते हैं। अगर अगर अपन ऐसा बोले सर पहले मैं अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखने की ट्राई करूं तो आर एवरेज जो आएगा वो ये लिखा जाएगा 1/2 R of SO2 बिल्कुल डिसअपीयरेंस की बात इक्वल टू आर ऑफ दी ओ टू बिल्कुल इज इक्वल टू 1/2 R of SO3 आएगा बिल्कुल ठीक है ना। अब मेरे को ये बोला SO3 की रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है तो इसका SO3 ये गिवन है और मेरे को बोल रहा है O2 की तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल करना है ठीक है ना।
अगर मैंने ध्यान नहीं रखा बेसिक डेफिनेशन का, तो मेरे को ऐसा लगेगा R of the O2 1 by 2 और R of the SO3 अगर मैंने 10 रख दिया तो 10 by 2 5 हो जाएगा और 5 ऑप्शन में पड़ा है, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला रेट जो होती है वो तो या तो चेंज इन कंसंट्रेशन होती है या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन होता है या फिर चेंज इन मोल होता है, बस ये तीन ही होते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मोल होना चाहिए। तो ग्राम को अब पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर मैं इसके लिए ये बोल दूं कि इसको मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड लगा दूंगा, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके सर पहले इस रेट को जो है मोल पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। सर मैं यदि RSO3 की बात करूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 की जो मैं बात करूं, वो मैं ये बोल सकता हूं 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जिसे मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा सर 80 आ जाएगा मेरे ख्याल में। तो ये 80 आ गया, ये अब आ जाएगी सर अपने पास मोल पर सेकंड, जो आपने एक अपने को एक्सप्रेशन बताया था। अब अगर ये रेट ऑफ SO3 आ गई है तो R ऑफ दी O2 जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 रेट ऑफ SO3, SO3 की रेट आपने कैलकुलेट कर ली 1/8, तो ये आ गया 1/16। तो सर यहां भी एक बात अपन को ध्यान रखना है कि ये मोल पर सेकंड में आई है और आंसर अपन को फिर से ग्राम पर सेकंड में बात कर रहा है, ये मोल पर सेकंड में आई है। अब 1/16 मोल पर सेकंड आई है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर उसमें ग्राम में वेट में, तो ग्राम में वेट में कन्वर्ट करना है। तो अब की बार अपन को इसको मास से जो है मोलर मास उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर मैं यहां पे ये बोल सकता हूं RO2 जो होगा अपना 1/16 मल्टीप्लाई बाय 32, तो आज अपने पास ये अगेन ग्राम पर सेकंड में आ जाएगा। ये बेटा अपन ने चेंज इसलिए किया क्योंकि ऑप्शंस को हमने देखा तो ऑप्शंस की यूनिट जो आ रही है अपने पास ग्राम पर सेकंड आ रही है, बिल्कुल। तो यहां से जैसे इसको सॉल्व किया तो 16 और ये 2, तो इसका मतलब ग्राम पर सेकंड आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि रेट की डेफिनेशन तीन की रेस्पेक्ट में, या तो कंसंट्रेशन या प्रेशर या फिर मोल के रेस्पेक्ट में। अगर ग्राम दे रखा है तो इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। और ध्यान रखिए पहले कन्वर्ट किया लास्ट में कन्वर्ट किया, जल्दीबाजी में ये नहीं यहाँ कन्वर्ट कर दिया वहां छोड़ दिया, तो बेटा ऐसा ऑप्शन भी आपको मिलेगा जो आपको गलत करा सकता है, इस चीज का आप बेसिकली ध्यान रखें। चले सर आगे, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज +1/2 dc/dt -1/3, वही एक किसी रिएक्शन का एक्सप्रेशन दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज रिएक्शन, इसका मतलब रिवर्ट क्वेश्चन पूछा गया इस बार। तो आज अपन को रेट एक्सप्रेशन देके रिएक्शन पूछ रहा है, तो पहली बात तो अपन को ये पता लग गई कि ये प्लस है तो ये तो अपीयरेंस की रेट है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट की साइड में होगा, ये प्रोडक्ट की साइड में होगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, बोलूं मैं कि ये अगर मैं एरो लिख देता हूं तो C जो होगा वो इस साइड में होगा पहली बात, और इसका कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, ये लो बिल्कुल। अब D जो है वो माइनस में है, तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट की साइड में होगा, ये लो डिसअपीयरेंस, और साथ में 3 आ जाएगा, ये कोफिशिएंट हो गया। अब ये प्लस में है तो फिर से प्रोडक्ट हो गया, तो ये प्रोडक्ट में आएगा A, और इसका कोफिशिएंट 4 आ जाएगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है उसी से अपन डिवाइड करते हैं, तो जो डिवाइड किया रखा है वही कोफिशिएंट होना चाहिए। अब ये अगेन डिसअपीयरेंस बोल रहा है, इसका मतलब B इधर आना चाहिए, साथ में इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 है। तो अब सिंपल इसकी रिएक्शन देखें तो 3d plus b चेंज इनटू 4a plus 2c, तो बेटा ये अपना इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। बस इसमें माइनस प्लस ये बता रहा है कि माइनस को रिएक्टेंट साइड में लेके चलना है और प्लस को अपन को प्रोडक्ट साइड में लेके चलना है। माइनस यहां पे डिसअपीयरेंस को शो करेगा, प्लस अपीयरेंस को। साथ में ये जो कोफिशिएंट है वो 1 अपॉन करके आते हैं, जैसा सर ने आपको एक्सप्रेशन लिखना सिखाया उस चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चले सर आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर द रिएक्शन 2NS3 चेंज इनटू N2 plus 3H2, ये दे रखा है। इसके लिए फिर से अपन को थोड़ा रेट एक्सप्रेशन शो कर रखा है और पूछा है द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3 मे बी गिवन एज। तो सर इसके लिए यदि अपन बात करें, रेट को मुझे बता रखा है कि डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया जो है उसको आप K1 मान लो, इसके लिए K2 into this मान लो, इसके लिए K3 into this मान लो। बिल्कुल, अगर अपन बिल्कुल बेसिक से ही बात करें कि अपन को ये क्वेश्चन मिला है फर्स्ट टाइम और अपन को अप्रोच करना है, तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि R एवरेज जो होगा या R जो होगा इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 R ऑफ द अमोनिया होगा, बिल्कुल सही बात है, जो डिसअपीयरेंस को डिसअपीयरेंस की रेट होगी, इज इक्वल टू E होगा R ऑफ द N2 अपीयरेंस की रेट हो जाएगी, कोफिशिएंट 1 ही चलेगा इसका, इसका हो जाएगा 1/3 R of the H2 हो जाएगा, सही बात है, ओवरऑल ये हो गया। अब R of the ammonia लिखना है तो मेरे को, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ये रिएक्टेंट की साइड में, तो 1/2 माइनस में D of the NS3 अपॉन dt हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू R of the N2 लिख दिया मैंने,
आर ऑफ दी एन टू लिखना है तो ये प्रोडक्ट की साइड में है, तो डी ऑफ दी एन टू लिखूंगा बाई डी टी लिख दूंगा, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू वन बाई थ्री आर ऑफ दी डी ऑफ दी एच टू डिवाइड बाई डी टी, ये इनके एक्सप्रेशन बन गया, प्रोडक्ट है तो प्लस में लेना, प्लस में आएगा। अब ये अगर मेरे पास आ गया तो इनकी वैल्यू दे रखी है, जैसे ये माइनस का डी ऑफ दी एन एस थ्री बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है सर वन बाई टू, इसकी वैल्यू दे रखी है के वन इंटू अमोनिया की कंसेंट्रेशन, इसकी वैल्यू दे रखी है के टू इंटू अमोनिया की कंसेंट्रेशन, ये लो, और इसकी जो दे रखी है वो दे रखी है के थ्री इंटू अमोनिया की कंसेंट्रेशन, अमोनिया यहाँ पे कॉमन आ रहा, अमोनिया यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा सर के वन बाई टू इज इक्वल टू के टू इज इक्वल टू के थ्री बाई थ्री, ये रिलेशन बन जाएगा, लेकिन अपन को ऐसा रिलेशन दे नहीं रखा अभी के लिए। तो सर थ्री से पूरी को अपन यदि मल्टीप्लाई कर ले तो सर जहां तक मुझे लग रहा है तो ये आएगा अपने पास थ्री बाई टू के वन थ्री के टू इज इक्वल टू के थ्री, और इसको मैं सर लिख सकता हूँ 1.5, तो सर आ जाएगा 1.5 के वन थ्री के टू और ये के थ्री, सही बात है सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब अपन को जो ऑप्शंस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली अपन ने इसको अरेंज किया, और वैसे भी रेशियो को कभी भी अपन अपॉन में नहीं छोड़ के अपन एलसीएम लेके उसको सॉल्व करें तो अपने को मिलेगा 1.5 के वन थ्री के टू और के थ्री, तो सर इसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन अपना इसका, ये तो बिल्कुल सिस्टमेटिक मेथड हो गया, जैसे मेरे को रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखता हूँ उसके अकॉर्डिंग हो गया। मैं अब आपको डायरेक्टली ये बोल रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ है तो आप तो ये चेक करो के वन किसका रेट कॉन्स्टेंट है, के वन जो है वो अमोनिया का रेट कॉन्स्टेंट है, के टू जो है वो एन टू का है, के थ्री जो है वो एच टू की रेट का है, तो जो रेट कॉन्स्टेंट दे रखे होते हैं उसको ओनली फोर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके और बराबर कर दो तो भी आंसर वही बनेगा जो अपन ने बनाया था। ये देख लो सर मैंने स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, यहाँ की बजाय डायरेक्ट अपन इस जगह पे आ गए, बिल्कुल इस वाले स्टेप पे आ गए, लेकिन बेटा ध्यान रखना ऐसा अपन इसलिए किया क्योंकि NS3 तीनों में कॉमन है तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, समझ में आती है बात, चले सर आगे, बिल्कुल। तो इसका अपना ऑप्शन वन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन इसमें बात करते हैं सर, द रेट लॉ फॉर रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय दिस वन, ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी द रेशियो ऑफ न्यू रेट, सर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं सर ऐसा बोल दूं कि पहले तो अपने पास है आर वन इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम, ये तो अपन को फर्स्ट दिया हुआ है, बिल्कुल। सर जब अपन ने इसमें चेंज किया तो जो न्यू रेट आई उसको आर टू बोल दूं, कॉन्स्टेंट वही के वह है, आज हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो ये टू ए पूरा सिस्टमेटिक इसको देख ले तो अपन B को अपन ने हाफ कर लिया तो 1 by 2 B की पावर m आ गया, सही बात है सर, बिल्कुल। इधर से थोड़ा सा बेटा मैं इसको सॉल्व करूं तो R2 is equal to K 2 की पावर n बाहर आएगा, ये आ गया A to the power n, ऐसे यहाँ पे 1 by 2 की पावर m बाहर आएगा, ये आएगा B to the power m। अब हमको यदि सर बाद वाली रेट और पहले वाली रेट में रिलेशन चाहिए तो मैं दोनों को रेशो ले लूं, R2 by R1 का पूछा है, तो सर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं और फिर चेक करूं क्या आता है, तो सर अपने पास आएगा R2 अपॉन R1, सर K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, A ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 की पावर n और 1 by 2 की पावर m आएगा, जिसको सर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो n माइनस m लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है सर, रेशियो की पावर n माइनस m, तो सर R2 आ जाएगा अपने पास 2n माइनस m R1, मतलब R1 का ये इतने टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल। और ऐसे क्वेश्चन सर मेरे ख्याल से हर बार कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछ लेता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन इसमें n और m की हो सकता है वैल्यू हो जाए, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को डायरेक्ट पूछ लेगा बताओ रेट कितने टाइम्स हो गई, तो अपन ने जनरल फॉर्मूला ले लिया जिससे n और m की कुछ भी वैल्यू आए अपन डायरेक्ट इसमें पुट करके देख सकते हैं, तो सर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा सर 2 दी पावर n माइनस m, चले सर आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है The data for the reaction A plus B change into C. The rate law corresponding to above data is. सर इसको अपन एक तो डिटेल्ड मेथड से भी कर सकते हैं और एक थोड़ा सा सर एनालिसिस करके करें वो ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें अपना टाइम कंज्यूम नहीं होगा, बिल्कुल सर। तो सर अगर जैसे अगर आपको करना है ना कि इसको डिटेल एनालिसिस करना है तो आप कुछ मत करो, जो इक्वेशन दे रखी है ना उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप रेट लो इसका कंसिडर कर लो, अगर आप इसका रेट लो कंसिडर करते हो तो आर रेट लो जो होता है सर, रेट लो ये बोलता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो होता है A, कंसेंट्रेशन अभी A है, A रेस टू द पावर अल्फा हो गया, B रेस टू द पावर बीटा हो जाएगा। सर यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, सर ने जैसा बोला है कंसेंट्रेशन पे है, इनकी मॉलिक्यूलरिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बन जाता है कि रेट जो है वो मॉलिक्यूलरिटी, बीटा जो है वो मे बी
अभी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं, नहीं भी हो, क्योंकि रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, तो अपने मन से नहीं लिखते अपन। ये अगर एक्सपेरिमेंटल है तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाऊं तो के आ जाएगा, ए रेस टू दी पावर अल्फा आएगा, बी रेस टू दी पावर बीटा आएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो के इज रेट कॉन्स्टेंट है, के रेट कॉन्स्टेंट है, जिसको अभी अपन आगे और बात करने वाले आएगा। ये अल्फा जो है वो ऑर्डर ऑफ ए है, ऑर्डर ऑफ ए है, बीटा जो है वो ऑर्डर ऑफ बी है, और अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए रिएक्शन का तो ओवरऑल ऑर्डर की जो बात होगी सर वो हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताओ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो अपन को पहले ये कैलकुलेट कर लो अल्फा और बीटा ये वाला, और अल्फा प्लस बीटा का सम करोगे तो वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर अपन को पता लग रहा है कि डिटेल्ड मेथड से करो चाहे शॉर्टकट से करो, अपन को यहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज को इन टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। बिल्कुल सर। तो सर इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट बात करें या डिटेल्ड मेथड बात करें? बिल्कुल सर, आप चाहो तो शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो सर शॉर्ट में बात करें, अपन ऐसा एनालिसिस करते हैं जो भी अपने पास रिएक्टेंट दे रखा है एक बार एक को कॉन्स्टेंट रख ले और दूसरे का वेरिएशन चेक कर ले क्या हो रहा है। तो सर जैसे मान लीजिए मैं सेकंड और थर्ड को चेक करता हूं तो ए की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, ये तो कॉन्स्टेंट है एक बार, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन सर डबल हो रही है कब, जब रेट 8 times हो रही है। बिल्कुल। तो सर डबल हो रही है, रेट 8 times हो रही है, इसका मतलब ये क्यूब हुआ होगा तभी जाके सर ये 8 times जाएगी। तो सर मैं इसलिए बोल सकता हूं कि बी के लिए मैं बोल सकता हूं कि जो पावर आएगी जो बीटा आएगा उसकी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है सर, मेरे को ओवरऑल ये समझ में बात आ रही है कि अगर आपने ये कांस्टेंट रखा है ना तो इसका मतलब रेट जो है वो इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन। जब इसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुई है तो इसका मतलब ये हो गया कि रेट ए नॉट के ऊपर तो डिपेंड करेगी नहीं या ए के ऊपर डिपेंड करेगी नहीं। आप उल्टा ऑब्जर्वेशन ऐसे देख लो कि आप ऐसे गए तो आपने कंसंट्रेशन को किया डबल तो रेट हो गई 8 times। तो मैं ऐसा बोल दूं कि कंसंट्रेशन हुई डबल तो 2 की पावर कितनी लगाऊं कि 8 आ जाए, ओवरऑल बात ये हुई। तो 2 की पावर बीटा है तो इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रेस टू दी पावर 3। अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लिया जाए तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये तो बात मालूम चल गई, बीटा 3 आएगा, बीटा पता लग गया। अब सर अपन ए के लिए बात करें तो अब अपन ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें बी को कांस्टेंट रहे, अगर बी कांस्टेंट होगा तो रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो सर मैं 2 और 4 को कंपेयर करूं, 2 और 4 को कंपेयर करूं, यहां से सर अगर आप ये 2 और 4 को कंपेयर कर लो, ये लो सर 2 और 4 को अपन ने कंपेयर किया तो सर ये 0.70 से 0.70 बी आज कॉमन कर, मतलब इसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगी, नहीं करेगी। और सर अपन ने यहां से एनालिसिस किया इसको, जैसे अपन ने 2 times किया, बिल्कुल, तो 2 times किया अपन ने, इसको तो अल्फा कर ले सर, तो इसको 2 times करने पे ये एज इट इज रेट चेंज ही नहीं हुई, चेंज ही नहीं हुई, इसका मतलब सर ये कांस्टेंट है, तो सर मेरे को इसकी पावर 0 करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर यहां आप ऐसा बोल दो 2 रेस टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा तो 1 सर कब आएगा, 1 के लिए मैं ये बोल दूं 2 दी पावर 0 आएगा। बिल्कुल। तो अल्फा को आज कंपेयर किया तो 0 आ गया, अल्फा 0 आया सर, अपने एक्सप्रेशन की जो अपने बात की थी r इज इक्वल टू k, a टू दी पावर हो गया 0 जो अल्फा की वैल्यू है, b टू दी पावर हो गया सर अपने पास 3। तो सर इसको मैं हटा दूं तो सर मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं r इज इक्वल टू k b टू दी पावर 3, दैट इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन डेटा। बिल्कुल सर, इसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो सर अपना ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर, सही बात है। ऐसा क्वेश्चन आता है हर 1-2 साल में सर, रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल्ड मेथड से बेटर यही है, क्योंकि डिटेल्ड मेथड में बेटा आगे जाके इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो बेटर आप एनालिसिस करके करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चले सर आगे, चले सर रेट कॉन्स्टेंट की आगे अपन बात करते रहेंगे, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी की भी बात करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूजिंग द गिवन ग्राफ शोइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द रिएक्शन। अपन को एक रिएक्शन दी है ए 3 चेंज इनटू 3A, इसके लिए अपन को ग्राफ दिया और T1 के लिए बात की है। सर T1 क्या है, कि T1 किस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। सर ये बेसिकली अगर अपन बात करें तो बिल्कुल केमिस्ट्री का, बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर अपन इसको बात करें तो काइनेटिक्स का क्वेश्चन तो होगा भी नहीं ये। ठीक है, ये कंसंट्रेशन जो दे रखा है वो ये दे रखा है, इधर चल रही है कंसंट्रेशन और इधर चल रहा है टाइम का वेरिएशन। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखता हूं, A3 कन्वर्ट हो रहा है 3A के अंदर, A3 कन्वर्ट हो रहा है 3A के अंदर, जैसे मैंने इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन T बराबर 0 टाइम पे मैंने कंसीडर कर ली A, तो ये हो गया 0, T इज इक्वल टू T पर्टिकुलर टाइम, ये जो T1 टाइम कह रहा हूं मैं यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंचा तो मैंने कहा इसमें से x गया, x गया तो सर यहां पे कितना लिखना चाहिए, 3x 3x लिखना चाहिए, क्योंकि कोएफिशिएंट अपने पास 3, बिल्कुल, जो अपन ने मोल में बात की थी उसी के अकॉर्डिंग A माइनस x होगा तो 3x होगा। अब सर एक बात बताओ, जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया
तो इसका मतलब यहां पे कंसंट्रेशन इसके करस्पॉन्डिंग ये होगी। तो ये जो ग्राफ है वो तो है रिएक्टेंट के लिए A3, ये मतलब A3 सर यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, जो डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए, ये रिएक्टेंट का है, ये प्रोडक्ट का है। तो इस वाले पॉइंट पे मैं ऐसा बोल दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगी वो बराबर होगी, बिल्कुल सही। तो बराबर होगी तो सर आप बराबर करो, A-X = 3x आ गए, बिल्कुल ऐसा हो गया। तो A बराबर हो गया 4x, तो x बराबर आ गया A/4, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जब अपने पास कितनी हो गई, 4 times डिसोसिएट हो गई सर। इनिशियल अगर A लिया जाए तो x जो आएगा वो A/4, 1/4 तक डिसोसिएट, 4th टाइम 1/4 उसका डिसोसिएशन हुआ, 25% डिसोसिएशन, 25% डिसोसिएशन हुआ। तो ये टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 25% रिएक्शन के कंप्लीटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 25% बोलो या फिर 1/4 बोलो, एक ही बात है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3rd। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सर ने बोला 25% कंप्लीशन रिएक्शन की बात, कंप्लीशन का टाइम है, ये नहीं करे कि 75% रिमेनिंग है, रिमेनिंग की बात नहीं करते हैं, टाइम कंप्लीशन के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो कंप्लीशन कंप्लीटेशन का टाइम दे रखा है। चले सर आगे, बिल्कुल। तो इसका अपना ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करें, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस वन, इफ 10^-5 मोल ऑफ ए एंड 100 मोल ऑफ बी आर प्रेजेंट इन 10 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम। पहली बात तो बेटा अपन को एक रिएक्शन दी, दूसरी बात अपन को इक्विलिब्रियम के लिए बात की है, तो आपको बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट पूछी है, रेट कांस्टेंट। तो बेटा एक चीज याद रखना, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि जो के इक्विलिब्रियम होता है वो यदि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अपन बात कर रहे हैं तो ये होता है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। ये चीज आपको पता लग गई तो इजीली काम होगा। अब अपन को रिएक्शन बेटा दी है ए चेंज इनटू 2b, और डायरेक्टली अपन को इक्विलिब्रियम पर इनके मोल दिए हैं, जबकि V बोला है हमारे को कितना 10 लीटर बोल रखा है, ठीक है। तो यहां पे इक्विलिब्रियम पे A के मोल की बात करें वो 10^-5 है, और B के मोल की बात करें तो B के मोल अपन को बोल रखा है 100 मोल बोल रखा है, सही बात है सर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूं इक्विलिब्रियम पर तो सर मैं 10 का डिवाइड लगा दूंगा। अब यदि इसके K इक्विलिब्रियम की बात करूं तो K इक्विलिब्रियम क्या होता था, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर अपॉन E। तो सर यहां से B के स्क्वायर की बात करूं तो ये आएगा 10 का स्क्वायर, A की बात करूं तो ये आएगा सर 10^-6, ये K इक्विलिब्रियम हो जाएगा 10^-8 10^+8 आ जाएगा। अब यहां से मेरे को के भी निकालना है तो बेटा सिंपल फॉर्मूलाज पुट करने हैं, वो आ जाएगा Kf अपॉन के इक्विलिब्रियम। Kf बेटा आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5 × 10^-3, और ये अपने पास आ रहा है 10^8। जैसे ही अपन इसका Kb बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो वो आएगा 1.5 × 10^-11। बेटा यहाँ पे गलती होने के चांसेस, क्योंकि अपन हमेशा इक्विलिब्रियम जब कॉन्सेंट्रेशन निकाले या प्रेशर निकाले तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, लेकिन रेट कॉन्स्टेंट में फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड होता है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। चले सर आगे, आंसर ये वाला बन जाएगा। तो सर इसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 चेंज इनटू 4NO2+O2 इज दिस वन, If the rate is this one, then initial rate. बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रेट कॉन्स्टेंट और रेट दे दे तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट देख के सबसे पहले अपन ऑर्डर की बात कर लेते हैं, सही बात है सर, बिल्कुल सर। और जनरली अपन रेट कॉन्स्टेंट जो के लिखते हैं उसकी यूनिट की अपन जो बात करते हैं वो होता है मोल लीटर सेकेंड, बेसिक यूनिट की बात करें 1 - n - 1 - 1, सही बात है सर, बिल्कुल सर। n जो होगा वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n आपका आ जाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सर ने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट की तो यूनिट सेम रहती है मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन रेट कांस्टेंट की ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज होगी, सही बात है सर, बिल्कुल सर। अब अपन को जो दिया है बेटा सेकंड इनवर्स उसको इससे कंपेयर करो तो अपन को पता लग रहा है इसमें मैं n = 1 पुट करूंगा तब जाके अपने पास सेकंड इनवर्स आएगा। इसका मतलब ये सर जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की हो गई, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई, सही बात है। जनरली रेट लो अगर अपने बात की तो जनरली रेट लो होता है R = kA^α या A^n होता है, ठीक है। तो ये अल्फा जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अगर मेरे को यहाँ पे K जो है वो रेट कॉन्स्टेंट है, ये ओनली 4-3 चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। फर्स्ट टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, सेकंड डिपेंड करेगा एक्टिवेशन एनर्जी पर, थर्ड अपना आ जाएगा ऑर्डर पे,
और थर्ड नंबर जो है इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, तो एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा थर्ड डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रिएक्शन, नेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फैक्टर दे रखा हो तो उसके ऊपर के डिपेंड नहीं करेगा, ओनली फॉर टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी एंड नेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक सिंपल सी बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अल्फा जीरो होगा, किसी की भी पावर जीरो लगाती जो होता है वो वन होता है, तो आर बराबर हो गया के, और इसको मैंने मान लिया के नॉट, जीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब के नॉट की यूनिट वही होगी जो रेट की यूनिट होगी, तो इसका मतलब के नॉट की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। और वैसे भी अपन एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो अपन को यहां से यही मिलेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें अगर अपन, तो अल्फा की वैल्यू आप वन पुट कर दे, अल्फा की वैल्यू वन पुट करते ही यहां से के वन जो आएगा वो आएगा आर बाई ए, आर की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है, यहां पे मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है सेकेंड इनवर्स आए, टाइम का इनवर्स आएगा, ओवरऑल बात ये है। सिमिलर वे में अपन सेकंड ऑर्डर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से अपन को ये चीज मालूम चल गई कि सेकंड इनवर्स आया तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, अब फर्स्ट ऑर्डर आया तो R इज इक्वल टू के इंटू ए हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो गया के वन इंटू ए, ओवरऑल बात ये अल्फा वन हो गया, अल्फा वन हो गया। तो अब यहां से बेटा अपन को निकालना क्या है, अपन को N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये A जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और यहाँ पे रिएक्टेंट N2O5 दिया हुआ है अपन, यहाँ पे N2O5 है अपने पास। तो सर यहां से मैं यदि बात करूं तो सर यहां से मैं A की जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब जो रिएक्टेंट है N2O5 उसको मैं R अपॉन K1 के बराबर हो जाएगा। तो सर R अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है R 2.4 into 10 to the power minus 5 minus 5, और K की बात करें अपन तो 3 into 10 to the power minus 5, minus 5 से minus 5 चला गया 0.8, तो सर ये 0.8 आ जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन है तो इसकी यूनिट कैपिटल M आ जाएगी, मतलब मोल पर लीटर की बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन रेट कॉन्स्टेंट के बारे में बात कर चुके हैं कि रेट कॉन्स्टेंट होता क्या है, और सेकेंड नंबर जो है वो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होगी और किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। बेसिकली रेट कॉन्स्टेंट को जो है वो कभी कभार ऐसे भी लिख देता है स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन। ये स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलने का रीजन ये है कि आर जो होगा वो कभी के बराबर होगा, कब होगा, जब कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट जो है वो वन होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं ओवरऑल कंसेंट्रेशन। सर एक तो फर्स्ट ऑर्डर में भी जो है वो सॉरी जीरो ऑर्डर में आर बराबर के नॉट होता है, एक तो जीरो ऑर्डर में आर बराबर के नॉट होता है, एक जब सारे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अगर आप वन ले लेते हो, सारे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अगर वन ले लेते हो तो भी आर बराबर के होगा। जैसे अगर आप एक जनरलाइज अगर मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, अगर एक जनरलाइज फॉर्मूले की बात करें अगले पेज पे देख लेते हैं सर, अगर जैसे अगर अपने रेट लॉ लिखा आर इज इक्वल टू के ए रेस टू दी पावर अल्फा बी रेस टू दी पावर बीटा, अगर मैंने ऐसा लिखा, अगर मैं यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, दो ही रिएक्टेंट है ए और बी, इनकी कंसेंट्रेशन को अगर यूनिट ही ले लेता हूँ, वन ले लेता हूँ, जैसे ही वन लूंगा तो वन की पावर कुछ भी लगाओ वन ही आएगा, तो आर बराबर क्या बन जाएगा के बन जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये है जब आर बराबर के बनेगा, जब वेन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट वो वन हो जाए, वन हो जाए उस टाइम ऑर्डर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं वैल्यू की बात कर रहा है अपन, तो व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट वन होगा तो आर बराबर के, इसलिए इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं, और एक जीरो ऑर्डर में आर बराबर के नॉट हो गई हो, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो करेंगे तो वो ऑल्दो वन आना ही आना है। ये ओवरऑल सर रेट कॉन्स्टेंट की बात होगी। चले सर अब आगे, चले सर आगे, वो क्वेश्चन अपना हो चुका है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर आइडेंटिकल फॉर, तो सर इसकी अभी भी अपन ने बात की थी, बिल्कुल बात हो गई सर, तो सर इसके लिए अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू की बात की थी और रेट की भी बात की, बिल्कुल सर। तो सर ये जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए सेम रहेगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए अभी मैंने बोला आर बराबर के नॉट होगा, तो के नॉट की वही यूनिट होगी जो आर की यूनिट होगी, तो सिंपली अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर। वैसे अपन ने दोनों के लिए बता दिया कि यूनिट कैसे निकाली जाएगी। चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, नॉट पूछा है बेटा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सर अभी भी अपन ने बात की थी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अपन जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सर एक्सप्रेशन में अपन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, बिल्कुल, साथ में अपन उनकी ऑर्डर की बात करते हैं, बिल्कुल। तो सर यहाँ पे अपन बोले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो सर इस पे तो डिपेंड कर रहा है। सर अगर मैं फैक्टर की बात करूं कि किस किस के ऊपर रेट डिपेंड करेगी, रेट डिपेंड्स ऑन मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन की अगर अपन बात कर ले एक एक फैक्टर की, तो कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, 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 बिल्कुल सर।
जनरली अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी बढ़ेगी जनरली एक जीरो ऑर्डर में देखा भी था टू जब इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी और हाफ कर दी बिल्कुल तो जनरली कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी तो फर्स्ट फैक्टर ये हो गया सर। सेकंड नंबर फैक्टर की अगर अपन बात करें तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी बिल्कुल सही बात ये भी इसका अपना टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। थर्ड नंबर अगर अपन बात करें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्योंकि अल्फा और बीटा भी क्योंकि अपन ने ये बोला था आर इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर अल्फा बी रेस टू द पावर बीटा तो इनकी वैल्यू का अगर चेंज होगा तो आर चेंज होगा। फोर्थ नंबर नेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी कौन सी रिएक्शन स्लो होगी तो वो रेट को अफेक्ट ही करने वाला है तो नेचर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। फिर अगर अपन बात करें नेचर ऑफ या ऐसा बोले सरफेस एरिया जो होगा नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगी क्योंकि कितनी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है ये उससे पता लग जाएगा बिल्कुल सर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। वैसे बेसिकली अगर अपन बोले अगर किसी मीडियम में करा हुआ ये जिसमें एसिडिक या बेसिक मीडियम है तो उसकी पीएच के ऊपर भी डिपेंड करेगी सर तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर करेगी ऑर्डर के ऊपर करेगा नेचर ऑफ द रिएक्शन पे करेगा सरफेस एरिया पे करेगा पीएच पे करेगा साथ में सर कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करता है। ये बेसिकली फैक्टर हो गए जिसके ऊपर रेट डिपेंड करती है उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाए सर तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो सर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट डिपेंड नॉट पूछा टेम्परेचर पे सर टेम्परेचर पे करती है नेचर ऑफ रिएक्शन पे करेगी करेगी मॉलिक्यूलरिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी और एक वर्ड आया ऑर्डर तो बेसिकली सर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलरिटी जो है वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सम होता है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बात की जा रही है बिल्कुल और ऑर्डर जो होती है वो प्रैक्टिकल क्वांटिटी होती है एक्सपेरिमेंटल चीज है और मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कांसेप्ट है ठीक है। तो आप ऑर्डर की जब बात करोगे तो जब आपको क्वेश्चन में रेट लॉ देगा उस टाइम जो पावर्स है उनका सम करोगे दैट इज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो ऑर्डर अपन डायरेक्टली खुद नहीं लिख सकते हैं वो अपन रेट लॉ से ही लिख सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बिल्कुल। अब रिएक्शन में भी अपन बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो एलिमेंट्री जो सिंपल स्टेप में हो रही है उसके तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स काउंट कर लेंगे लेकिन रिएक्शन यदि कॉम्प्लेक्स है मोर देन वन स्टेप में हो रही है तो फिर सर उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का क्वेश्चन है उसमें अपन बिल्कुल डिटेल मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर पे बात करेंगे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे भी बात करेंगे। चलिए सर आगे बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं Which of the following factor does not affect the rate? तो सर यहाँ पे भी अपन ने अभी पीछे जो आपने फैक्टर्स बताए थे उन्हीं से रिलेटेड अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे जो अपन को बोल रहा है which of the following factor does not affect the rate? तो सर अपन यहाँ पे इसमें बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस पर डिपेंड करेगा जैसा भी आपने बताया। सेकेंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इस पर भी डिपेंड करेगा। थर्ड अपन सर यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फोर्थ अपन बात कर रहे हैं कैटलिस्ट पे। तो सर यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे रेट अपन जो बात करें वो डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि सर अपन इसकी जो वैल्यू की बात करते हैं वो अलग केस है और यहाँ पे रेट सिंपल अपन एक्सप्रेशन बिल्कुल सर रेट डिपेंड करना एक अलग होता है मतलब वैल्यू डिपेंड करना अलग होता है और रेट किसके फैक्टर के ऊपर डिपेंड एक्सप्रेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो सर अपन यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट को अफेक्टेड नहीं करता है। चले सर आगे इसमें बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो सर ऐसा अपन ने थर्मोकेमिस्ट्री में भी बात की थी बिल्कुल सर कि जो डेल्टा एच होता है एंथैल्पी चेंज वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सही बात है क्या सर? बिल्कुल सर अगर इसको आप एक ग्राफिकल अप्रोच से अगर बात करें मैं तो एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ ये एक रिएक्शन है जिसका पैरामीटर इधर एनर्जी का पैरामीटर है और इधर रिएक्शन का पाथ है। मैंने अगर ऐसा कोई भी ग्राफ बना लिया जैसे मान लो ये यहाँ पे रिएक्टेंट होता है इसको प्रोडक्ट होता है इसकी एनर्जी जो होती है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल सर अगर इस R को P में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको यहां तक पहुंचाना पड़ेगा आपको जिससे सर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाए। तो इसका मतलब ये वाली जो एनर्जी होगी यहां से लेके यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। मैंने रिएक्शन लिखी है R टू P तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड के लिए हो जाएगी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉरवर्ड की। अगर बाई चांस P को R में कन्वर्ट करना है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन तो इसको यहां तक पहले पहुंचाओ
तो यहां तक पहुंचाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी बैकवर्ड डायरेक्शन की, ये तो होगी सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कुल मिला के सर ये बोल रहे हैं कि यदि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके प्रोडक्ट में जाना है तो उनको एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना पड़ेगा जिससे उनकी कोलिजन जो वो इफेक्टिव कोलिजन है। बिल्कुल, तो मतलब मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिव कोलिजन तक पहुंचाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और अपन को नाम से भी समझ में आ रहा है जो मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करे। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो फॉरवर्ड आ जाएगा और बैकवर्ड के लिए बात करेंगे तो बैकवर्ड आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगर ये बात है तो अब यहां से अगर अपन डेल्टा एच देखें तो डेल्टा एच तो ये बनेगा सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, ये वाला बनेगा डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंज रहेगा। बिल्कुल, अगर ये डेल्टा एच बना है तो ये ऐसे भी तो आ सकता है सर कि इस वाली वैल्यू में से ये वाली अगर वैल्यू माइनस कर दूंगा ये वाली तो लास्ट में बचेगा तो ये वाला डेल्टा, तो डेल्टा एच जो बनेगा फॉर्मूला ये बनेगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, चाहे आप ग्राफ से देखो चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अब यदि आज अपन को बोला है कि एक्टिवेशन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का यदि इक्वल आ जाए तो दोनों का इक्वल आ जाएगा तो सब सिंपल हो जाएगा, डेल्टा एच अपना क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच जीरो का, डेल्टा जी और डेल्टा एस के बारे में यहाँ पे अपन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि सर डेल्टा जी डेल्टा एस वहाँ पे एंट्रोपी चेंज और वहाँ पे गिब्स एनर्जी चेंज की बात करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है क्या आती है वो वहां पे बात करते हैं। सर आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स व्हेन द टेंपरेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री टू 35 डिग्री। तो सर इसके लिए मैं बात करूं तो अपन एक डायरेक्टली अरेनियस इक्वेशन जो है उसे सर यूज कर सकते हैं। पहले अरेनियस इक्वेशन की बात ही कर लेते हैं कंप्लीटली कि अरेनियस इक्वेशन होती क्या है और ये कैसे अफेक्ट करेगी। अरेनियस इक्वेशन k इज इक्वल टू a e to the power माइनस em बाय rt। सर यहां पे अपन a की बात करें तो ये अपना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, ठीक है। ईए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर ये टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना चाहिए। अपन बोलते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होती है क्योंकि के भी इंक्रीज होता है। बिल्कुल, के इंक्रीज होता है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी फर्स्ट ऑफ थिंग। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज होगी फर्स्ट ऑफ थिंग। कैसे होगी, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो ये वाली वैल्यू सर डिक्रीज होगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ईए बाई आर टी कम हो जाएगा, अपॉन में पावर नेगेटिव में कम होना इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल बात ये, अब आप इसका लॉग ले ले, मैं ln ले रहा हूं नेचुरल बेस, मतलब ई बेस पे बात कर रहा हूं, बेस पे ln k इज इक्वल टू ln ऑफ द a माइनस ea अपॉन आर टी। क्योंकि बेटा ln e बेस पे e वैल्यू की बात करें तो सेम है तो वो 1 होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर इसको अपन अपने पास सारी वैल्यू जो है वो 10 बेस पे तो log k इज इक्वल टू log of the a माइनस ea अपॉन 2.303 rt के बराबर हो जाए। बेटा ये ध्यान रखना जब बेस e को बेस 10 में करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब सॉल्व किया तो यहां से ये कैंसिल होके अपॉन में आ जाएगा। अगर अपन को ऐसा दे दे कभी कभार, अगर log k और 1 by t का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो इसको अगर मैंने y कंसीडर किया, इसको अगर x कंसीडर किया तो y is equal to minus mx plus c का ग्राफ बन रहा है तो ग्राफ ऐसा आएगा। सर इसका अपन को स्लोप भी पता लग गया यहां से जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। log k वर्सेस 1 by t का ग्राफ हो गया, अब इसका स्लोप जो होगा ये हो गया थीटा, तो tan थीटा जो बनेगा वो बन जाएगा माइनस ea अपॉन 2.303 r। बेटा ध्यान रखना है माइनस आएगा, माइनस छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में माइनस और प्लस दोनों वैल्यूज लेके बात। अब जैसे आपको थीटा 135 दे दिया जाए सर तो थीटा जैसे 135 देगा तो tan 135 की वैल्यू माइनस में बन होती है तो ea बराबर 2.303 r हो जाएगा। आर की वैल्यू रखवा दे कैलोरी के अंदर तो 2 रख देना 4.606 हो जाएगा। ये तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। सेकंड नंबर सब जो है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी आएगी लॉग के की, तो अलग अलग क्वेश्चन आप हाँ। तो सर अलग अलग टेम्परेचर पे यदि मैं कंडीशन की बात करूं तो मैंने ये बोला फर्स्ट कंडीशन पे जब लॉग के वन है क्योंकि टेम्परेचर पे अपन के वन कंसीडर कर लेते हैं तो सर उस टाइम मैंने बोला ये फैक्टर अपना कांस्टेंट रहेगा माइनस ईए अपॉन 2.303 आर टी पर इक्वेशन वन बोल दूं सर वन हो गई। ऐसे टेम्परेचर सेकंड कंडीशन की बात करूं उस टाइम कॉन्स्टेंट के टू हो जाएगा, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ लॉग ए माइनस ea upon 2.303 rt2 हो जाएगा। सही बात है सर। सर मैं इन दोनों के लिए अपन ये कर लूं, मुझे कुछ एक डिजायर्ड इक्वेशन चाहिए तो सर मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं, तो जैसे ही मैंने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया log k2 by k1 बन जाएगा क्योंकि log m माइनस n log m upon n होता है, ये log की प्रॉपर्टी से अपन को पता है सर।
सर ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो सर मैं ऑल्दो इसको लिखूं तो ये अपॉन 2.303 r 1 upon t1 minus 1 upon t2 बोल सकता हूँ सर। यस सर। और सर इसको थोड़ा सा यदि मैं सॉल्व कर लूं तो अपने पास आ जाएगा log k2 upon k1 is equal to ये upon 2.303 r t2 minus t1 upon t1 t2। तो सर मैं यहाँ पे ऐसा भी कह सकता हूँ कि जब भी केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी की अलग अलग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करें तो अपन को डायरेक्टली हमेशा ये यूज लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चले सर अब उस क्वेश्चन पे। बिल्कुल सर। अब बेटा अपन इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको सर मैं रफ कर देता हूँ। तो अपन यहाँ पे बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लॉग के टू अपॉन के वन, जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था। ये रेट डबल बोले चाहे रेट कांस्टेंट डबल बोले एक ही बात है, क्योंकि रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेट कांस्टेंट के, जब आप कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे हो तब। बिल्कुल। तो सर यहाँ से यदि मैं इनकी वैल्यूज की बात करूं तो सर ये डबल किया है, तो यदि मान लीजिए पहले के है बाद में 2k हो गया तो सिंपल 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे ईए अपन को कैलकुलेट करना है 2.303 आर, यदि अपन को यहाँ पे जूल की बात कर रहा है सर, तो सर 8.31 को लेना पड़ेगा। टेम्परेचर डिफरेंस 15 आएगा, चाहे केल्विन में करो चाहे इसमें करो सेम रहेगा, किसी में भी कर लो। T1 की वैल्यू जब इसको चेंज करोगे तो सर ये आ जाएगा 293 केल्विन और T2 की वैल्यू आ जाएगा 308 केल्विन। तो सर यहाँ से अपने बोल सकते हैं 298 into 308। अब एक तो ये है या तो इसको पूरा सॉल्व करें या सर इसका एप्रोक्सीमेट ले, ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो सर एप्रोक्सीमेशन बात कर वो भी किलो जूल में। हाँ। अगर मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी ये कैलकुलेट करनी है तो उधर ऑप्शन जाके लॉग 2 की वैल्यू बन रही है 0.3। सर इसको आप एप्रोक्सीमेट जो है ना वो 20 मान लो, 19 point something कुछ होता है, इसको 20 मान लो। सर ये 293 है और ये 308 है, तो 293 को आप 300 मान लो, 7 इधर मैंने बढ़ाया तो 7 इधर वापस कम कर दिया, लगभग 300 ही आ गया वापस, और अपॉन में ये 15 वाला चला जाएगा तो ये हो गया आपका 20 किलो जूल में चाहिए, तो ये अभी जूल में आया तो 30 हटा दो किलो जूल बन गया। सही बात है। ये हो गया 0.3 into 20 into 2 into 3 ये हो गया किलो जूल। सर ये हो जाएगा सारे हट गए, ये हो गया 4 into 9 36 किलो जूल एप्रोक्सीमेट बनेगा। तो सर अराउंड मेरे ख्याल से इसका 34.7 किलो जूल के, बिल्कुल सर यही आएगा। तो सर इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो बेटा जब भी आपको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट देके एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या अभी सर ने एक ग्राफ बना के बताया तो स्लोप वाला क्वेश्चन भी काफी पूछता है, आपके इक्वेशन देख के स्लोप को कंपेयर करवाता है। चले सर आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बोलता है टू रिएक्शन R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसका मतलब सर जो दोनों रिएक्शन A1 बराबर A2 है इक्वल टू A2 की बात कर रहा है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल। तो सर मैं ये बोल दूं R1 माइनस R2 10 है, बोल सकता हूं सर मैं? बिल्कुल सर। तो ये इसका A1 माइनस A2 10 हो गया। हां A1 बोलो यहां पे R1 मान रहा है तो ये रिएक्शन की मानी हुई है। अब अपन को आगे बोल रहे हैं इफ K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट फॉर दिस एट 300 केल्विन देन ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू। तो सर जो अभी अपन ने फार्मूला लगाया वही मैं बात करूं यदि सर, सर इसने ln में ही बोला है तो सीधा आप ln में ही पुट करें, ln में ही बात कर लेते हैं सर। ln K2 / K1 इज इक्वल टू ln K2 / K1 इज इक्वल टू सर आज एक्टिवेशन एनर्जी फैक्टर सेम है तो वो कैंसिल आउट हो गया, वो कैंसिल, लेकिन आज एक्टिवेशन एनर्जी सर चेंज हो रही है। बिल्कुल सर। तो सर यहां से मैं इसे बोल सकता हूं EA1 - EA2 बिल्कुल सर अपॉन R R और यहां पे सर मैं यदि बात करूं तो अपने पास टेंपरेचर के लिए जो बोला है आज टेंपरेचर चेंज नहीं हुआ 1/T रख दे, तो सर इसको 1/T रख लो। सही बात है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ओवरऑल बात अपनी ये हुई थी कि ln k जो होता है वो होता है ln a - ea अपॉन rt, ea को मैंने लिख दिया e इस बार, तो ओवरऑल बात ये हो गई a चेंज नहीं हो रहा है आज, केवल e टेंपरेचर भी चेंज नहीं हो रहा सर। हां सर। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं ea k1 मान लेता हूं तो इसकी e1 मान लेता हूं, सिमिलर वे में जब ln k2 की बात करूंगा तो ln a - e2 अपॉन rt हो जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट अगर माइनस करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी ln k2 / k1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो ये बन जाएगा e1 - e2 / rt। बिल्कुल सही, ये इक्वेशन बन गई सर। तो सर यहां से अपन को आज ये पूछ क्या रहा है, अपन से सर ये पूछ रहा है देन ln k2 / k1 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है सर। तो सर ये अपने पास 10 है लेकिन ये 10 यूनिट देख ले आप पहले किलो जूल में है, तो सर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, आर अपन को जूल की बात कर रहा है तो 8.314 बोल लो, टेम्परेचर अपन को 300 बोला है,
तो सर यहाँ से मैं ये सर ये 25 हो जाता है, 8.314 into 3 जो होता है वो 25 हो जाता है, 25 है ऊपर 100 है तो सर approximately 4 आ गया, तो सर अपने पास इसका ऑप्शन ये हो जाता है। बिल्कुल सर। तो बेटा ये चीज याद रखिएगा, हमेशा टेम्परेचर चेंज हो ये जरूरी नहीं है, आपको ऑप्शन में क्या बोला है इस इक्वेशन से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चले सर आगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर N2 plus 3H2 change into 2NS3, हीट की वैल्यू दे रखी है 22 किलो कैलोरी, ईए दे रखी है 70 किलो कैलोरी, देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस। तो बेटा देखो ये रिएक्शन रिवर्स की है, तो मैं इसे यदि अपन एक काम करें सर कि फर्स्ट ऑफ थिंग तो ये कैलकुलेट कर ले कि पहले इस रिएक्शन को अगर मैं लिखता हूं जैसे N2 plus 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स NS3, ये हीट रिलीज हुई है तो इसका मतलब डेल्टा एच माइनस 22 किलो कैलोरी होगा जाएगा सर, फर्स्ट ऑफ थिंग तो ये होगी। इसका मतलब मेरे को यहां से ये चीज भी मालूम चल रही कि हीट ऑफ रिएक्टेंट जो ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट के कंपैरेटिव। बिल्कुल सही। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा फिर। बिल्कुल सही बात। ये बनेगा, ये आर हो गया, ये पी हो गया, और ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है सर यहां से लेके यहां तक का वो आ रहा है 22 का, ये ग्राफिकल अप्रोच में। अब अपन को बोला है कि इसके फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी का मान 70 किलो कैलोरी, इसका मतलब सर ये वाली जो एनर्जी गैप होगा यहां से लेके यहां तक का ये 70 हो गया। ये लो, अब आपसे पूछा रिएक्शन रिवर्ट कर दी, इसका मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के पास जाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली हो जाएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगी तो ग्राफ से सीधा दिख रहा है कि 70 प्लस 22 जो होगा वो इसके सम के बराबर आएगा, 92 तो 92 आ जाएगा। तो या तो ऐसे कर लो या बेटा अपन डायरेक्ट इसको ये बोल दें डेल्टा एच इज इक्वल टू ई एफ माइनस ईबी हो जाएगा। डेल्टा एच हमने आपको बता दिया माइनस 22 है, ई एफ आपको बता दिया 70, ई बी आपको कैलकुलेट करना, तो ई बी यहां से आपके पास आएगा 70 प्लस 22 चेंज इनटू 92। बिल्कुल सर, बस यहाँ पे ये याद रखेंगे पूछा है तो सिंपल अपन बोल दे डेल्टा एच इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई बी बोल दे। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो अपन को डेल्टा एच कैलकुलेट करवाया जा रहा था, इस बार डायरेक्टली दे दिया गया, डेल्टा एच डायरेक्ट दिया है, ईएफ आपको बोला है 50, ईबी आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां से सर ईबी कितना हो जाएगा अपना 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं या सर के अकॉर्डिंग जो अपन ने ग्राफ भी हो सकता है ग्राफ भी कर सकते हैं, तो इसका अपना फोर्थ ऑप्शन सर करेक्ट हो जाएगा। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है फॉर अ रिएक्शन ए चेंज इनटू बी, सर अच्छा क्वेश्चन है जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे, उसी फॉर्मेट में पढ़ा है सर, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में पढ़ा है, तो सर मैं इस रिएक्शन को कंपेयर करना चाह रहा हूं, और सर कंपेयर लॉग 10 है तो मैं बोल दूं लॉग 10 के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। सही बात है सर। तो यहां से सर पहली बात तो अपन को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या ऑरेनियस पैरामीटर दोनों कॉल करते हैं, तो मैंने इसको कंपेयर किया तो ये 14 के इक्वल आ गया, तो मैंने यहां से बोल दिया कि जो आपका log 10 a है वो 14 है, तो a आपका आ जाएगा 10^14। पहला तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा, तो सर ये तो चारों में दे रखा है तो अपन को वहां भी जाना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट, इसको अपन ने इससे कंपेयर किया तो बेटा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी को जो किया वो माइनस साइन का स्पेशली ध्यान रखें 1.25 × 10^4 अपॉन टी आएगा, टी से टी गया माइनस से माइनस गया, तो यहां पे बेटा अपन बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.303 r × 1.25 × 10^4 आ जाएगा। सही बात है सर। किलो कैलोरी में बात की है तो यहाँ से 10^3 तो पहले हटा दो, हटा देते हैं सर, आर की वैल्यू 2 रखनी है, कैलोरी में बात हो रही है तो ये हो गया 2.5 हो गया, 2.5 × 10 हो गया 25 × 2.3 की बात चल रही है, तो इसका मतलब 50 से तो ज्यादा ही आएगा सर, 50 से तो ज्यादा ही, 50 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, तो 57.6 किलो कैलोरी वाला ऑप्शन बन जाएगा सर, इसके अलावा कोई ऑप्शन में है नहीं सर, थोड़ा सा अपन को क्योंकि यहाँ पे ये 10^14 है, हाँ। यहाँ पे वो 14 दे रखा है। अच्छा हाँ तो फिर ठीक है सर, किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट कर दो आप, ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा नहीं, तो अगर 57.6 किलो कैलोरी आ रहा है इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 ये किलो जूल में कन्वर्ट हो गया सर, 57 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 240 के आसपास बन जाएगा, तो सर मेरे ख्याल से इसका ये ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा फिर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल तो इसका सिंपल सा था जिसका अपन ने करके देखा क्या हो रहा है। बिल्कुल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सर इसको भी अपन उसी से कर लेते हैं जो अपन ने अभी तक फॉर्मूला यूज किया है। बिल्कुल
तो सर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सर मैं ये बोल सकता हूं log k2 upon k1 is equal to, आज ea चेंज हो रहा है तो ea1 minus ea2 upon 2.303 r, और सर t चेंज हो रहा है क्या? ठीक नहीं है सर, बोला कि अदर सारे पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो सर इसको टी मान लेते हैं, टेम्परेचर को टी मानना, आरएमएस पैरामीटर सेम रहते हैं तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो सर इसकी यदि मैं बात करूं तो सर यहां से ये मेरे को दिख रहा है log 1 upon 2 बन रहा है सर। बिल्कुल सर, सर log 1 upon 2 minus 0.3010 आएगा, बिल्कुल वो हो जाएगा अपने पास ea1 minus ea2 upon 2.303 r। सही बात है सर। तो सर यहाँ से कुछ भी कर लो, अपन पूरा सॉल्व क्यों करें, अपन को जब पता लग रहा है कि नेगेटिव आना है तो इसका मतलब सर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब सर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ea2 ज्यादा है आपका ea1 से। तो सर इसका मतलब अपना इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना चाहिए, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा क्या बोल रहा है, फॉर अ गैसियस रिएक्शन फॉलोइंग दिस वन टेम्परेचर एट विच के वन इज इक्वल टू के टू। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ अभी। बिल्कुल सर, के वन और के टू को आपको बोला है बराबर करना है, तो आप बराबर कर दो सर इधर। अगर मैं बराबर करता हूँ 10 रेस टू दी पावर 15 ई रेस टू दी पावर माइनस 2000 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 10 रेस टू दी पावर 14 ई रेस टू दी पावर माइनस 1000 बाई टी। बिल्कुल ये बन जाएगा सर 10, और इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा ई रेस टू दी पावर 1000 बाई टी। इसको इधर लेके आ जाओ सर, इसको इधर लेके आएंगे और फिर तो ये प्लस में चला जाएगा। बिल्कुल, प्लस और माइनस में मिला के माइनस प्लस का 1000 बाई टी बन जाएगा सर। दोनों साइड में लॉग ले लो, नेचुरल लॉग। अभी नेचुरल लॉग लेते हैं तो ln 10 बन गया, ये हो गया 1000 बाई टी सीधा, क्योंकि ln e 1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेस e पे। अब अपन को वैल्यू जो है वो 10 बेस पे मालूम है, तो इसको अगर मैं 10 बेस पे चेंज करता हूं तो 2.303 ये हो जाएगा log 10 बेस पे 10 इज इक्वल टू 1000 बाई टी। सर ये 10 बेस पे 10 तो 1 हो गया, बिल्कुल, तो इसका मतलब टी बराबर जो आएगा वो आएगा 1000 अपॉन 2.303, ये वैल्यू बनेगी सर। तो सर यहां से अपन यहां से सर आप सिंपली ये बोल सकते हो कि अगर ये 2 होता तो 500 आता, तो 500 से वैल्यू कम आनी चाहिए, ओवरऑल बात ये। तो सर 500 से एक ही ऑप्शन होता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका बेटा ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अपन इसमें बात करते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली इंक्रीज रैपिडली इवन फॉर स्मॉल टेम्परेचर राइज बिकॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन दी। तो सर अब इसमें अपन बोल रहे हैं कि जब अपन को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करना है स्मॉल टेम्परेचर रेंज में तो किस पे डिपेंड करेगा? तो सर अपन को इसमें सर ये पता है कि जो अपना मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स कॉलिजन कर रहे हैं उससे डिपेंड करेगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सर अपन को इसमें बात कर रहा है। तो सर अपने पास इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इन एक्सेस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसके लिए बात करें तो सर अपनी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। सर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है टेंपरेचर बढ़ाने पर, लेकिन उसके कंपैरेटिवली डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है जिसकी वजह से रेट इंक्रीज होती है। एक्चुअल में रेट किसकी वजह से बनती है या रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो उन्हीं मॉलिक्यूल की वजह से बनती है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। तो अपन को कॉलिजन इंक्रीज होने पर कोई गारंटी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी इंक्रीज हुआ होगा जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। तो डोमिनेटिंग फैक्टर ये होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ने का रीजन ये होता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इन एक्सेस ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वैसे अगर बात करें तो आंसर तो थर्ड हो गया, ये भी इंक्रीज होता सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि ये 3/2 kT होता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो अपना आंसर जो बनेगा वो थर्ड बनेगा। तो सर इसके अकॉर्डिंग अपना ये आंसर हो गया। बिल्कुल, चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल, बोलता है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज देन रिएक्शन रेट इज R1 एंड R2, इफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2.5 देन व्हिच रिलेशन इज करेक्ट। तो सर अपन जनरली बात करें तो अपन जो इसकी थ्योरी देखें तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की अपन बात करते हैं। बिल्कुल, अगर आप ऐसा बोलो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस पर जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है वही टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो ये होता है, ये रेट टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय टी आर ऑफ द टी, ये बोल दो, रेट का रेशियो बोलो या रेट कांस्टेंट का रेशियो बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर एक जनरलाइज एग्जांपल की बात करें तो रेट 308 डिग्री सेल्सियस पे या केल्विन पे डिवाइड बाय रेट 298 केल्विन पे, ये जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है।
टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो 2 से लेके 3 के बीच में होती है, और जब तक नहीं बताता है अपन को तब जब नहीं बताएगा तो 2 अब इस वाली रिएक्शन में तो अपन को दे रखा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.5 है, इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाते हो तो रेट जो होगी वो 2.5 टाइम्स हो जाएगी एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। अब यहाँ पे अपन ने 25 डिग्री से यदि 55 डिग्री की बात करें सर, तो एक बार ये 35 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर जाके और फिर 55 आएगा, तो सर अपन को 3 टाइम्स इसको इंक्रीज करना है। इसका मतलब पहली बार जो होगा वो 2.5 बार हो जाएगा, बिल्कुल, फिर उसका 2.5 और होगा, फिर उसका 2.5 और हो जाएगा, तो 3 बार 2.5 चलेगा, तो ये 2.5 रेस टू दी पावर 3 इनटू R1 हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया सर, तो इसका मतलब सर आंसर तो अपन को यहां से ये मिल गया। बिल्कुल, अगर अपन ऐसा बोले कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें या अपन को ऐसा बोला जाए कि रेट कितने टाइम्स हो जाएगी, तो मैं तो ये बोलूंगा R2 by R1 जो होगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेस टू दी पावर डेल्टा टी अपॉन 10 कर दो आप, तो बिल्कुल डेल्टा टी बाई 10 कर दो, क्योंकि 10 के अकॉर्डिंग चेंजेस 10 के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो ये 30 डिवाइड बाई 10 हो गया 3, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर 3 आ जानी चाहिए, तो सर सिंपल यही आ गया 2.5 रेस टू द पावर 3 हो जाए। चले सर आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप विद एक्टिवेशन एनर्जी दिस वन, ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, सर अपन को यहाँ पे रेट कांस्टेंट दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी, तो सर मैं सिंपली यदि देसी में बात करूं तो सर लॉग वाली जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, सही बात है सर, बिल्कुल। तो सर अपने को ईए की बात बोली, लॉग मल्टीप्लाई में एड हो जाता है और डिवाइड में माइनस होता है और पावर इसके आगे चली जाती है, बिल्कुल। तो सर मैं सिंपल बोलूं ये 2/3 है, इसके बाद फर्स्ट वाले की एक्टिवेशन एनर्जी 180 है, मल्टीप्लाई है तो सेकंड वाले के साथ एड हो जाएगी, डिवाइड है तो थर्ड वाले के साथ माइनस हो जाएगी, बोलो सर सही बात है क्या, बिल्कुल सर। इसको थोड़ा सा अपन यदि सॉल्व करके देखें 50 × 2/3 आ जाएगा, तो सर 50 × 2/3 आया, तो सर ये 100/3 हो गया, 30 सर ये 210 आएगा सर, ये 210 आएगा, 210 आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया सर 140 आ जाएगा। तो सर अपन यहाँ पे यदि बात करें तो 2/3 इज इक्वल टू सर कितना आया था ये 210 आ जाएगा, यहाँ से सर इसको सॉल्व करें तो ये इतना यहाँ से जाए तो सर ये 140 आ जाना चाहिए, तो मतलब सिंपल जो लॉग वाली प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई में ऐड कर दो, डिवाइड में माइनस कर दो और पावर को आगे ले लो, सर ऐसा ही कर रहे हैं अपन, बिल्कुल। तो सर इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर 140 आ रहा है, 140 बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके सर। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की सर इसमें बात करते हैं अपन, अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन फॉलोइंग स्टेप, 2a change into x, x plus b change into y, y plus b change into product, then rate low for overall reaction. ये कोई एक experiment दे रखा है, reaction का mechanism दे रखा है, ये given है, अपन अपने मन से नहीं लिखेंगे, ये given है, और फिर पूछा है कि इसका rate low क्या होगा? मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि rate low जो होता है वो experimental होता है, यहाँ पे prove हुआ कि ये experimental चीज होगी। सर first of thing अगर पर हम बात करें, एक reaction होती है elementary reaction. एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो ओनली 4 सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट ऑफ थिंग। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो मोर देन 1 स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, बिल्कुल, ये लो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होगी। अगर मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है तो मेरे को यहां से एक बात तो क्लियर मालूम चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि 3 स्टेप में हो रही है, फर्स्ट ऑफ थिंग। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर 100% स्लो स्टेप होता है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके अंदर एक ही स्टेप है तो वो क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। और अब इसके अंदर मोर देन 1 स्टेप है तो एक तो होगा 1 स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा, अदर स्टेप जो होंगे वो सारे के सारे फास्ट स्टेप होंगे। यदि स्लो नहीं दे तो RDS लिख के देता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि स्लो स्टेप से ही रेट कैलकुलेट की जाती है, तो यहाँ पे भी देख ले सर स्लो स्टेप दे रखा है। और सर, अब अगर आपको रेट लिखनी है ना तो वो स्लो स्टेप के लिए लिखी, तो स्लो स्टेप के लिए सर अपन LMA लगा दे, लॉ ऑफ मास एक्शन, बिल्कुल सर। तो सर लॉ ऑफ मास एक्शन यदि मैं स्लो स्टेप पे अप्लाई करता हूँ तो सर मुझे पता लगता है R = kxb, सर यही बोल रहा हूँ सर मैं। रेट लो जब आप लिखते हो या रेट लो का एक्सप्रेशन लिखते हो सर, रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट अलाउड है, लेकिन इंटरमीडिएट कभी नहीं आना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से जो एक्स जो है ना वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि आप ओवरऑल रिएक्शन देखो सर, ओवरऑल रिएक्शन ये है कि ये 2A जो है ना वो कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, बी के अंदर, तो एलो कौन है,
ए अलाउ है, बी अलाउ है, लेकिन एक्स नहीं आ सकता है। बिल्कुल, तो सर अपन को अब एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सर मैं इस पे यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर, तो सर मैं इस स्टेप के लिए क्या बोल सकता हूँ, के इक्विलिब्रियम जो आएगा अपने पास वो आएगा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है सर, बिल्कुल। यहाँ से एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा के इक्विलिब्रियम ए स्क्वायर। सही बात है सर, बिल्कुल। इसको सर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, आर इज इक्वल टू के, एक्स की जगह पुट किया के इक्विलिब्रियम ए स्क्वायर इंटू बी, तो ये तो सर नया कोफिशिएंट बन जाएगा, ये नया कांस्टेंट मान लेते हैं अपन के, और सर ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर बी। सर ये अपन को पता लगा, ये अपना एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है जिसमें सर अपन ने बात की, तो यह आया अपने पास के ए स्क्वायर बी। बेटा यहाँ पे आपको ये देखे ये भी पूछ सकता था ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो अपन टू और वन थ्री बता देता, ए के रिस्पेक्ट में पूछता तो टू और बी के रिस्पेक्ट में पूछता तो वन हो जाता। चले सर आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन के 310 अपॉन 300 वुड बी मैक्सिमम। ये बोला है सर 300 से, मतलब दो रेट कांस्टेंट का रेशियो दे रखा है और पूछा है कि किसके लिए मैक्सिमम होगा। ये मेरे हिसाब से इसी टाइप का बन गया, लॉग ऑफ द K2 / K1 की बात करें इज इक्वल टू, ये बन गया EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 - 1 अपॉन T2। ये वाला तो सर अपने लिए सब में सेम रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि कॉमन दे रखा है, कॉमन दे रखा है 300 का, ठीक है। अपन को बोला इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी गया, ये पे डिपेंड कर गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, और ये वाली वैल्यू ज्यादा हुई तो K2 / K1 भी जो होगा वो ज्यादा होगा, कब, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो सर एक्टिवेशन एनर्जी सर सिंपली अपन को फोर्थ में ज्यादा दिख रही है, तो डायरेक्ट यहां पे ये बता सकते हैं, बिल्कुल सर। तो ये अपने सर सारे क्वेश्चन हो गए, हाँ। आज के 25 क्वेश्चन, इसमें अपन ने ओनली फोर्थ सर जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन होती क्या है और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अपन बात करेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और ऑर्डर कैलकुलेट करने के मेथड के ऊपर। तो सर वो अपन 13th एपिसोड में बात करेंगे, जिसको अपन ने केमिकल काइनेटिक्स सेकंड बोला हुआ है, जिसमें अपन रिमेनिंग ऑर्डर जो सर ने बोला जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सर फिर आज के लिए इतना काफी है, आप CLC के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास कंटिन्यू गुरुनीति के एपिसोड आते रहें। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट गुरुनीति के 13th लेक्चर में। थैंक यू।